हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर अपना चल रहा था, विद्युत धारिता या संधारित्र वाला जो चैप्टर था उसका। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है, इसमें हम दो तीन क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में जो आपका इसका चैप्टर बचा हुआ था इस चैप्टर को आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने उन सभी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दो जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचता, और जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर सकते हो। नीट एस्पिरेंट के लिए भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि नीट एस्पिरेंट के भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से, तो उनको ज़रूर एक बार शेयर करिएगा। क्योंकि नीट वाले क्या करते हैं, हाई लेवल का पढ़ते हैं और आप नीट इतना नर्सिंग में इतना आता नहीं है, तो लो लेवल के हिसाब से नर्सिंग के लेवल के अकॉर्डिंग मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन नर्सिंग के लेवल के अकॉर्डिंग है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर का पेपर। एक स्टूडेंट्स कल बोल रहा था कल वाली क्लास में कि सर लेवल हाई करो, तो लेवल ब्रो इतना ही आता है, ज़्यादा लेवल नहीं आता। नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपका कोई MBBS का एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जो आप इतना लेवल पढ़ रहे हो। अपने कल विद्युत क्षेत्र जो सॉरी अपने कल पढ़ लिया था समांतर पट संधारित्र की वजह से जो धारिता होती है, इसके बारे में हमने फॉर्मूले कल देख लेते हैं, और माध्यम में क्या होती है और विदाउट वायु में क्या होती है, इन सब के बारे में अपने कल देख लिया था। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन अपन आज कर लेते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा नहीं, आप क्वेश्चन नोट कर लेना। दो वर्ताकार क्या दे रखिए, दो वर्ताकार आपको चकती दे रखी है, दो वर्ता क्वेश्चन लिख लेना। दो वर्ताकार चक्तियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, सी हमें ज्ञात करना है, धारिता हमें ज्ञात करनी है किसकी, दो वर्ताकार यानी कि वर्ताकार चक्तियाँ दे रखी, तो जिनकी परस्पर दूरी कितनी है उनके मध्य, मतलब दूरी यानी कि दोनों के मध्य, यानी कि डी दे रखा अपन को 1 mm, कितना दे रखा है 1 mm अपन को डी दे रखा है, ठीक है, डी 1 mm दे रखा है, यानी कि इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए 10^-3 मीटर, ठीक है, ये मीटर में चेंज हो गया और दूरी दे रखी, और जो त्रिज्या ये चक्तियाँ इन वर्ताकार चक्ति की त्रिज्या कितनी है, r दे रखा है हमें, त्रिज्या दे रखी है अपन को 5 cm, क्या दे रखी है 5 cm। अब इसको 5 cm तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना होगा, तो 5 × 10^-, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, GE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट पर चल रहा है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है, तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 2 मीटर, ये मीटर में हो गया, ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको डी दे रखा है तो डी और त्रिज्या दे रखी है, तो कौन से फॉर्मूले से हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपन को पता होती है, तो अभी तो एप्सिलॉन नॉट को जैसा जैसा लिख देते हैं, एक की वैल्यू वर्ताकार त्रिज्या, वर्ताकार ए क्या है यहाँ पे, ओ ए एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल, तो वर्ताकार वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, π r² है, तो ये r², ठीक है, क्योंकि हमें ए निकालना है, तो ए की क्या होता है π r² और डी हमें दे रखा है, तो अब डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट अप करनी और आंसर निकाल कर आ जाएंगे अपने पास। तो ए इसकी जो वैल्यू रहेगी वो किस प्रकार लिखेंगे, 8.8 × 10^-12 π³ 3.414, और जो 5 × 10^-2 स्क्वायर, ये किसकी हो गई, ये हो गई आपकी r की वैल्यू, 5 × 10^-2 का होल स्क्वायर ये निकल कर आ जाएगा, और d की वैल्यू अपने ले दे रखी थी -3, कितने थे -3, इसकी d की वैल्यू होती है। जब इनको हम काटेंगे तो यहाँ बच जाएगा, जब हम इसको इस -3 से कटेंगे तो यहाँ 12 था, सॉरी यहाँ कितना 12 था, तो यहाँ आ जाएगा 9 बच जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं 8.8 8.85 × 10^-2
9, क्योंकि 3 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस 9 बच जाएंगे, और 3.14 5 की स्क्वायर यानी कि 25, और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर का, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में फाइनल आंसर अपने पास निकल कर आएगा 69.47 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेराड। और सॉरी, कल एक फेराड और फेराडे में डिफरेंस चल रहा था तो गड़बड़ हो गई थी, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक थी। जो इसका मात्रक होता है अभी मैं बताता हूँ, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया, जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसका आंसर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब हम फेराडे और फेराड के बारे में बात कर लेते। तो जो आधारिता होती है, आधारिता का मात्रक फेराड होता है। क्या होता है? फेराड होता है। ठीक है, जबकि आवेश का मात्रक होता है आवेश का होता है फेराडे, इसका होता है फेराड और इस आवेश का होता है फेराडे। ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था कल, तो क्वेश्चन में क्लास में कोई कमेंट भी कर रहा था उससे बता दो, चलो ये सही है, फेराड ही होगा, फेराडे नहीं होगा, वो मैंने कल फेराडे बता दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ध्यान रखना आगे से, फेराडी होगा धारिता का, जबकि फेराडे किसका होता है? आवेश का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर अपन चले, उससे पहले अपन पढ़े या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो आपका इस कल जो पढ़ाया था उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है अपने के लिए। ये दे रखे समांतर प्लेट दे रखे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, अपन को क्षेत्रफल भी दे दिया उसने, कितना दे दिया क्षेत्रफल देख लेते, क्षेत्रफल भी अपन नोट कर लेते, क्षेत्रफल दे दिया उसने 100 सेंटीमीटर। क्या दिया? 100 सेंटीमीटर क्षेत्रफल अपन को दे दिया। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग स्क्वायर में दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, A = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 100 × 10⁻⁴, क्योंकि स्क्वायर है तो -4, स्क्वायर नहीं होता ओनली सेंटीमीटर होता तो -2 होता, और इसमें है स्क्वायर में तो -4 हो गया, तो ये मीटर में चेंजेस हो गया। अगला क्या दे रखा, प्लेटों के मध्य की दूरी यानी कि डी दे रखी है अपन को, डी कितनी दे रखी है, 1 mm यानी कि 10⁻³ दे रखी है। डी कितनी दे रखी है, 10⁻³ दे रखी है, और संधारित्र को 120 वोल्ट यानी कि जो संधारित्र को विभव दिया जाता है, विभवांतर दिया जाता है, वो 120 वोल्ट है। कितना है? 120 वोल्ट दे रखा है। देने पर उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है यानी कि क्यू भी हमें दे रखा है, क्यू कितना दे रखा है, 0.12 माइक्रो कूलम क्यू आपको दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है प्रावैद्युतांक, इन प्लेटों के मध्य जो प्रावैद्युतांक है वो प्रावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है, तो ER हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि दो समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा अपने, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm यानी कि 10⁻³ है, और उन पर 120 यानी कि 120 वोल्ट विभवांतर काम करता है, जिससे आवेश 0.12 माइक्रो कूलम आता है, तो आवेश संचित होता है, तो ER यानी कि प्रावैद्युतांक हमें ज्ञात करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो आप सभी को नॉर्मली एक फॉर्मूला याद होगा ही सही, कौन सा वाला, तो फॉर्मूला आपको ये याद होगा ही सही, देखना, C = Q/V। ठीक है, ε₀ εr A D, ये फॉर्मूला अपन को पता होगा। अब कुछ नहीं करना, अपन को निकालना है किसकी वैल्यू, अपन को वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी है, इस चीज़ की वैल्यू हमें ER हमें निकालना है, तो इसको ER को रख लेते हैं, ER = QD/ε₀ εV। इसमें अपन को कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू पुट अप करनी और अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ दो फॉर्मूले का यूज हो रहा है, इन दोनों फॉर्मूले सी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं दे रखी, सी को छोड़ देते हैं, और इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट अप करनी और आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसा कि अपन वैल्यू जैसे पुट अप करते हैं तो कितनी वैल्यू देखना, अपन को कूलम कितना दे रखा, आवेश कितना दे रखा, -0.12 माइक्रो कूलम है, तो इसको लिख सकते हैं 12 × 10⁻⁸ लिख सकते हैं, क्योंकि माइक्रो कूलम कूलम में चेंज करके तो -6 से मल्टीप्लाई और पॉइंट हटाएंगे तो दो और माइनस में चले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। इसी के साथ डी की वैल्यू 10⁻³ अपने पास है ही सही,
इसी के साथ एप्सिलॉन नॉट की आप सभी को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी 10 की पावर माइनस 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और जो आपका लास्ट में बताया वी कितना है 120 अपन को वी दे रखा है। तो 120 से इनको जब काटेंगे हम नॉर्मली इनको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद लास्ट फाइनल आंसर निकल कर आता है 11.29 अपने पास आंसर निकल कर आ जाता है। ER बराबर 11.29 अपने पास आंसर निकल कर आता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए थे, आप सभी को आई थिंक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्लास को या चैप्टर को आगे कर लेते हैं, आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो संधारित्रों का संयोजन आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने जो क्वेश्चन आने वाले थे क्वेश्चन कर लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्रों को संयोजित किया जाता है तो संधारित्र इस संयोजन में क्या होता है, जब संधारित्र को दो क्रमों में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, जब श्रेणी क्रम इनको संयोजित किया जाता है तो इन पर जो आवेश होता है वो आवेश क्या होता है, समान रहता है। आवेश श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आवेश सेम रहता है पर उन पर विभवांतर अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट बात यही है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जब जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन पर आवेश कौन चीज़ सेम रहती है, तो वो होती है आवेश समान रहता है लेकिन उनका जो विभवांतर है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यदि धारिता समान नहीं हो श्रेणी क्रम में विभवांतर धारिता के व्युत्क्रम अनुपात में विभाजित होता है। तो ये देख सकते हो आप, इस प्रकार श्रेणी क्रम में जो तुल्यधारिता निकालनी होती है तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है। तुल्यधारिता निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है। यदि मान लो दो संधारित्र हैं और उनकी धारिता लगभग समान है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनको एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं उनके लिए, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू सी टू। यदि दोनों सी वन और सी टू दोनों सेम है तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके सी इक्वलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी आपको अगर क्यू निकालना आवेश निकालना है तो आवेश निकालने के लिए आपको सी क्यू को V से मल्टीप्लाई करना होगा, C1 को V1 से सेम आवेश आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पर आवेश क्या होता है, हमेशा सेम होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। ये फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए ये फॉर्मूला रहने वाला है। यदि तीन या चार पाँच कितने भी हो जिनमें अगर धारिता सेम है, प्रत्येक मान लो C1 की भी 1 है, C2 की भी 1 है, C3 की भी 1 है, तो इस प्रकार अगर तीन हो जाते हैं तो सी इक्वलेंट टू क्या लिख सकते हैं उसको, C/3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सिंपल इनको भी निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं तो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये C1 है, C2 है और C3 है, तो इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और विभवांतर इनका अलग अलग है लेकिन आवेश सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार अगला आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की जो स्पेसिफिक बात है वो क्या होती है, समांतर क्रम संयोजन की स्पेसिफिक बात ये होती है कि इसमें जो विभवांतर होता है वो समान होता है लेकिन प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक धारिता पर, प्रत्येक कैपेसिटर के संधारित्र पर आवेश अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर हमेशा सेम होता है। तो देख सकते हो आप समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में जब सी इक्विवेलेंट निकालते हैं परिणामी धारिता निकालते हैं, परिणामी धारिता इस प्रकार निकाली जाती है, C1 C2 C3 इस प्रकार निकाली जाती है, ठीक है। अगर मान लो तीन संधारित्र दे रखे हैं, सभी सेम है, सभी की धारिता सेम है तो उनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 3 × C यानी कि 3 दे रखे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 दे रखे तो 4 से मल्टीप्लाई इनको कर सकते हो, ठीक है। सी इक्विवेलेंट वाली ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है जो बिल्कुल सिंपल रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्यों निकालने के लिए, क्यों जो टोटल क्यों आएगा, टोटल क्यों क्या रहेगा, Q1 Q2 Q3 का योग क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। इसी प्रकार वी निकालनी है आपको तो वी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, वैसे सी इज इक्वल टू क्यू वी फॉर्मूला होता है नॉर्मल। तो वी निकालने के लिए हो जाएगा आपका Q/C, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो विभवांतर। बाकी विभवांतर सेम होता है समांतर क्रम में और आवेश अलग अलग होता है समांतर क्रम के लिए। समांतर संयोजन में आवेश की धारिता अनुपात में, समांतर संयोजन में आवेश की जो धारिता होती है वो अनुपात में विभाजित होती है, किसमें विभाजित होती है, अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। यह हो गए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में की बात। अब इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले अपन करते हैं श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है आपको नोट कर लेना है। अपन को दे रखा है, हमें निकालना है सी इक्वलेंट निकालना है, ठीक है। सी वन दे रखा है कितना, 10 फेराड, ठीक है, 10 फेराड। सी टू दे कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 15 फेराड,
ठीक, अभी निकालना है सीक्वलेंट, तो कौन से क्रम, और जब इन दोनों संधारित्रों को किसमें जोड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, हमें निकालना है इनका सीक्वलेंट। सीक्वलेंट निकालने के लिए सबसे पहले किस प्रकार डायग्राम बनते हैं, तो ये देख सकते हो आप, छोटा सा डायग्राम अपन बना लेते हैं। माइनस प्लस, ठीक है, ये कितना है, सी वन है, ये सी टू है। अब अपन को निकालना क्या है, सीक्वलेंट निकालना है। तो सीक्वलेंट निकालने के लिए श्रेणी क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला था, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करनी है, सी इक्वलेंट वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन फिफ्टीन, डेढ़ सौ एलसीएम और पंद्रह दस यानी कि पच्चीस डेढ़ सौ, ये इसे कट के छः बार यानी कि एक बटा सी इक्वलेंट बराबर कितने आ गए, एक बटा छः। अब इसको जब नॉर्मली सी इक्वलेंट निकालने हैं तो इसको उल्टा कर दो यानी कि छः बच जाएंगे, तो आंसर क्या आ गया, छः फेराड इसका जो सी इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, छः फेराड निकल कर आया, यानी कि जो इस क्वेश्चन करवाया इसका आंसर कितना है, सिक्स फेराड आया है। अब बात करते हैं समांतर क्रम के, तो समांतर क्रम के लिए हमें तीन संधारित्र दे रखे हैं, समांतर क्रम के लिए तीन संधारित्र दे रखे हैं, हमें निकालना है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। सी वन कितना दे रखा है, सी वन दे रखा है अपन को दस फेराड, सी टू कितना दे रखा है बीस फेराड, और सी थ्री दे रखा है चालीस फेराड। हमें निकालना क्या है, सी इक्वलेंट निकालना है समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला है, सी इक्वलेंट बराबर सिंपली सा फॉर्मूला है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तीन दे रखे तो सी थ्री तक कर लेते हैं, वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो टेन प्लस ट्वेंटी प्लस फोर्टी यानी कि टोटल कितने जाएंगे, सेवेंटी फेराड, यानी कि सी इक्वलेंट कितना आ गया समांतर क्रम के लिए, सेवेंटी फेराड आ गया। इसका जो डायग्राम कैसे बना, अगर डायग्राम बनाना चाहते थे तो आप, तो इसका डायग्राम इस प्रकार बन जाता। ये लो, ये डायग्राम बन गया ये, ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री, तो इसमें अपनों सी इक्वलेंट निकल के आ गया सेवेंटी फेराड, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम के क्वेश्चन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं धारित संधारित्र की ऊर्जा के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, इसमें ऊर्जा के बारे में अपन को बस ओनली ये फॉर्मूला याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाकी थोड़ा सा चीज़ एक्स्ट्रा है तो इसको आप ना भी पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इतना सा पढ़ लेना ताकि आपके काम की ये चीज़ है तो इसको जरूर पढ़ लेना। संधारित्र में आवेश में आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी, तो आवेश में आवेशित संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, तो U इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप कहीं, जहाँ आपको V दे रखा हो या C दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, जहाँ Q और V दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जब Q और C दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तीन फॉर्मूले हैं ऊर्जा के, या कभी कभार आपको दे दिया कि आपको सी दे दिया, वी दे दिया और आपसे पूछा कि क्यों ज्ञात करो, तो इन दोनों फॉर्मूले से किसी फॉर्मूले का भी आप यूज कर सकते हो, तो ये फॉर्मूले बराबर में भी आप इनको यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूले, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ करवा लेता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सी अपन को दे रखा है पाँच फेराड, ठीक है, पाँच फेराड हमें सी दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है अपन को, वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है बीस वोल्ट, यानी कि विभवांतर कितना दे रखा है बीस वोल्ट। हमसे ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, क्यों ज्ञात करना है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्यों ज्ञात करने के लिए एक तो ये फॉर्मूला, यहाँ इस फॉर्मूले से भी इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप क्यों ज्ञात करना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हो आप, एक इस फॉर्मूले से भी आप यूज कर सकते हो, इससे कट जाएंगे V से, एक V कट जाएगा और Q बराबर सी वी लास्ट आ जाएगा, तो ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बाकी इससे फॉर्मूले सिंपली आपके निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे ऊर्जा ज्ञात करा सकता है कोई सा भी फॉर्मूले में कोई से भी वैल्यू देकर, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ऊर्जा ज्ञात करा सकता है। यह ऊर्जा जो संधारित्रों में संग्रहित ऊर्जा होती है, संधारित्र की चालक प्लेटों के मध्य बड़े प्रवैद्युत माध्यम में विद्यमान स्थिर विद्युत में संग्रहित होती है। कहाँ स्थित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, जो कि
यह ऊर्जा संधारित्र की चालक प्लेटों के मध्य बड़े परावैद्युत माध्यम में विद्यमान स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या होती है, संग्रहित होती है। तो ये संग्रहित कहाँ होती है, स्थिर विद्युत में, जो परावैद्युत माध्यम होता है उसमें बड़े उसमें विद्यमान स्थिर विद्युत में क्या होती है, संग्रहित होती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया, आज ये कम्प्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, और बाकी आपको ये कोई भी नहीं पढ़ना, छोड़ सकते हो आप इनको छोड़ना चाहो तो। बाकी श्रेणी क्रम में यदि आप ऊर्जा निकालना चाहते हो, श्रेणी क्रम के लिए ऊर्जा का जो फॉर्मूला रहेगा, तो ऊर्जा श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, कोई से भी क्रम में निकाल सकते हो, फॉर्मूले वही लगने वाले हैं। ये फॉर्मूले तो तीन फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से कोई सा भी यूज कर सकते हो। मान लो अगर श्रेणी क्रम में अपन तीन संधारित्र दे दिए और उनकी ऊर्जा निकालने श्रेणी क्रम में, तो ये जो सी रहेगा सी एस सी इक्वलेंट हो जाएगा, यानी कि सी इक्वलेंट के बराबर हो जाएगी। इसमें सी इक्वलेंट की वैल्यू निकाल कर तीनों को जोड़कर श्रेणी क्रम में उनको वैल्यू निकाल कर यहाँ सी की जगह वैल्यू पुटअप करनी होगी, बाकी आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। बाकी ये आप नहीं भी पढ़ो तो भी कोई छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़। अपन कल क्वेश्चन करेंगे, कल वाली क्लास में अभी भी एक दो क्वेश्चन और बाकी है जिनको भी हम कर लेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं, किसी आवेशित चालक की ऊर्जा चालक के बाहर उसके विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है, जबकि संधारित्र में यह उसके अंदर विद्युत क्षेत्र में स्थित होती है। यानी कि चालक की ऊर्जा चालक के बाहर उसके विद्युत क्षेत्र में संग्रहित होती है आवेशित चालक में, और संधारित्र में कहाँ स्थित होती है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र में स्थित होती है। अनावेशित संधारित्र की ऊर्जा शून्य होती है, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। अनावेशित विद्युत क्षेत्र की जो अंधारित्र जो अनावेशित जो संधारित्र होता है जिस पर कोई आवेश नहीं होता, उसकी ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। संधारित्र की धारिता केवल इसके आकार, इसकी ज्यामिति और इनके प्लेटों के मध्य की प्लेटों के मध्य बड़े हुए परावैद्युतांत पर निर्भर करती है। यानी कि जो संधारित्र की धारिता होती है, मैंने कल भी बताया था, संधारित्र की धारिता ज्यामिति पर ही निर्भर करती है, आवेश और विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार संधारित्र की धारिता आकार, इसकी ज्यामिति और इसके प्लेटों के मध्य बड़े परावैद्युतांत पर निर्भर करती है, अर्थात चालक पर निर्भर नहीं करती। ध्यान रखना, चालक पर निर्भर नहीं करती संधारित्र की धारिता। समान आवेश रखने वाले दो आसन चालकों पर विभव भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि जिनके आवेश सेम हो उनके चालक विभव भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि चालकों का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, धारिता भी भिन्न भिन्न होगी। यानी कि आवेश सेम होने पर उनका विभवांतर अलग अलग हो सकता है और धारिता भी अलग अलग हो सकती है। जब संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, तो दोनों प्लेटें समान परिणाम के आवेश प्राप्त करती है, चाहे प्लेटों का आकार समान हो या नहीं, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश वितरण और आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश का वितरण होता है वो किसके सिद्धांत के अनुसार होता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना, आपके पास बुक सभी के पास पहुंच चुकी है, ओनली एक स्टूडेंट से जिसके पास अभी तक बुक नहीं पहुंची है, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता है, बाड़मेर से उसका ऑर्डर आया था, थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए वो उसने वैसे ऑर्डर भी 24 को किया था, तो अभी आज तो 4 या 14 दिन ही चल रहा है, 14-15 दिन चल रहा है, तो इस वजह से उसके पास नहीं पहुँची होगी, बाकी सभी के पास लगभग बुक्स पहुँच चुकी हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना है बुक्स में, साथ के साथ जो जगह बची रहती है उसमें आप नोट कर सकते हो। क्या चीज़ है कि संधारित्र के जो प्लेटों पर आवेश वितरण होता है किस पर निर्भर करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ो, एक भूसंकर्पित वस्तु का विभव शून्य लिया जाता है, यानी कि यदि कोई भूसंकर्पित वस्तु है तो उसका विभव क्या लिया जाता है, शून्य लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है। क्या होती है, पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है। यदि एक आवेशित चालक के पास विलगित चालक को लाया जाए तब निकाय की धारिता बढ़ जाती है, यह समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत है। तो इम्पोर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत यह है कि आवेशित चालक के पास विलगित चालक को लाया जाता है तो निकाय की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। निकाय की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो की पॉइंट्स थे वो मैंने करवा दिए, बाकी लास्ट में कुछ और बचा हुआ है तो वो भी आप देख लेते। अपन को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अपन ने ये कर ही लिया, ये भी कर लिया, और ये ऊर्जा संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा के बारे में अपन ने देख लिया। बाकी आवेशित उभयनिष्ठ विभव देख सकते हो आप, देखना चाहो तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक्स में दे रखा था इसलिए मैंने आपके लिए करवा दिया, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूले याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो बाकी ये इस जगह से, इन दोनों में से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, और एक क्वेश्चन यहाँ से गोले धारिता वाले में यहाँ से, और ये फॉर्मूला याद रखना है लास्ट में, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये सी भी
क्यू इज इक्वल टू सी वी और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, मात्रक और विभाग के अलावा छोड़ को कोई क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जिसमें हमें ज्ञात, जिसमें जो किससे संबंधित है, विद्युत जो आपके संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा है उसका क्वेश्चन है, तो इसको अपन कर लेते हैं। चलिए आप सभी रेडी हैं, इसे अपन को दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है एक संधारित्र दे रखा है जिसका एक प्लेट समांतर प्लेट है जिसकी क्षेत्रफल दे रखा है ए इज इक्वल टू 90 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर उसने क्षेत्रफल दे रखा है, प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है। उस उनके दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है वो 2.5 × 10⁻³ मीटर हमें दूरी दे रखी है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी दे रखी है। विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर दे रखा है 400 वोल्ट। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यूँ ज्ञात करना है, यानी कि संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू इज इक्वल टू होता है 1/2 सी वी स्क्वायर, ठीक है, सी वी स्क्वायर होता है। हमें क्यों नहीं दे रखा, तो क्यों का यूज हमें नहीं करेंगे, क्यों आवेश नहीं दे रखा तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या, अब आपको पता होगा कि 1/2 तो जैसा का जैसा, सी क्या होता है, सी का एक फॉर्मूला अपन ने भी देखा था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि दूरी दे रखी तो इस फॉर्मूले का यूज करना जरूरी है। और वी वी कितना दे रखा है, वी अपन को दे रखा है तो वी स्क्वायर जैसा का जैसा लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें अपन वैल्यू पुट अप करते हैं। अब 1/2 इंटू ई एप्सिलॉन नॉट की आपको पता है इसे कितनी होती है, 8.585 × 10⁻½। ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू होती है 96 नहीं है यहाँ पर, 90 है, 90 × 10⁻⁴। और वी की वैल्यू आपको पता है 400 स्क्वायर, तो 400 को डबल बार लिख देते हैं 400। अपॉन डी कितना होता है, डी अपने पास है 2.5 × 10⁻³। इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ कट हो जाएगा, 25 से ये कट जाएंगे लगभग 16 बार कट जाएंगे, तो और ये 2 से ये कट जाएंगे 8 बार, ठीक है। तो 8.585 × 10⁻²⁰ × 90 × 8 × 400। इनको जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल कर आएगा, जिनको इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल कर आएगा क्या चीज़ निकलेगा, क्योंकि ये पॉइंट हटा देते, 10 ये एक है, एक है, तो 3 हटेंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, कितने 9 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएंगे, और इसका लास्ट आंसर अपने पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2548 × 10⁻⁹ निकल कर आएगा, −9 जूल निकल कर आएगा। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इसको जब हम आगे और सोल्व करेंगे तो इसको तो फिर लास्ट आंसर आएगा 2.2548 × 10⁻⁶ जूल फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा आपका 2.554 × 10⁻⁶ जूल, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। बाकी हर कमेंट में हर क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी जो भी चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा तो दिए, वैसे तो अब कल जो भी क्वेश्चन बचेंगे कल बाकी हम कल कर लेंगे। हमें ज्ञात करना है सी, हमें ज्ञात करना है, हमारे लिए एक डायग्राम दे रखा है, उसमें दे रखी है 2-3 संधारित्र हमें दे रखे हैं, 3 संधारित्र हमें उसने दे रखे हैं, उस पर आवेश क्यों दे रखा है और विभवांतर वी दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है टोटल धारिता ज्ञात करनी है, कि टोटल धारिता कितने वाली है, ठीक है। टोटल धारिता हमें ज्ञात करनी है, सी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखा है अपन को 10 फेराड है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 20 फेराड है, ठीक है, 20 फेराड ये आपको दे रखा है, और ये दे रखा है 30 फेराड है।
हमें ज्ञात क्या करना है, हमें सी इक्वलेंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो सी टू मान लेते हैं, इसको इनको सी वन सी, तो इनको भी हम सी वन बनाने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों समांतर क्रम है, समांतर क्रम में क्या होता है जुड़ जाते हैं, समांतर क्रम को जोड़ेंगे तो ये 30 फेराडे हो जाएगा, 30 फेराडे हो गया तो वन अपॉन सी इक्वलेंट, अब श्रेणी क्रम में बन गया तो 30 फेराडे हो गया, ये जोड़ने के बाद 30 फेराडे हो गया, तो इसको जो नया डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार बनने वाला है, वो बनेगा इस प्रकार, इस प्रकार नया डायग्राम बन जाएगा 30 30। ठीक है, जब इनको 30 30, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि यदि सेम सेम ये आ जाता है तो सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, सी अपॉन टू, तो टोटल सी कितना है 30, 30 बटा 2 यानी कि क्या हो जाएगा 15 फेराडे। ठीक है, एक तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आपको नॉर्मली जो पहले वाला देसी फॉर्मूला है वो तो आपको पता है ऐसे ही कि 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन सी1 प्लस 1 अपॉन सी2, इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो यूज करके निकालोगे तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट 1 अपॉन 30 1 अपॉन 30, जब इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी इक्वलेंट बराबर 2 अपॉन 30, ये कर जाएंगे 15 बार तो हो जाएगा 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, तो इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इस प्रकार तो क्या हो जाएगा लास्ट सी इज इक्वल टू 15 फेराड, फेराड ही होगा, फेराडे नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था, आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लगभग आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई, आपके 2 चैप्टर टोटल मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आज दिन तक। तो आप अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लो आप सभी, और अपने सभी फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को, क्योंकि यदि आपको 33 में से 32 नंबर लाने होंगे तो ये क्लास से देखनी होगी। 33 में 33 भी आ जाएंगे बट 32 तो मिनिमम मानकर चलो, ऐसे मिनिमम नंबर तो आपके आएंगे इसे 32, तो यदि मैं रेगुलर क्लास से लेते हो तो, और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो अब एक बार लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर देना सभी अपने फ्रेंड्स में। आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, कहीं भी जुड़े हो, हर जगह आपको शेयर करना अनिवार्य है, तो शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।